सिर्फ 1000 रुपए के बस एक इंसान कत्ल और एक जख्मी। क्या इंसानी जान की कीमत सिर्फ 1000 रुपए रह गई? इंसान इतना बेरहम क्यों हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन और मैं हूं आमिर हबीब। नाज़रीन, क्या इंसान इतना लालची और बेरहम हो सकता है कि सिर्फ 1000 रुपए के बस एक इंसानी जान का कत्ल कर दे? जी हाँ, ऐसे ही हुआ लाहौर में, जब बेरहम जालिम डाकू ने गाड़ी में 1000 रुपए की गैस फिलिंग करवाने के बाद 1000 रुपया देने के बजाय सेल्समैन और उसके साथी पर गोलियां चला दी। जी नाज़रीन, ये आप क्लोज एंगल में देख सकते हैं कि किस तरह जालिम डाकुओं ने गाड़ी में फिलिंग करवाई और फिर गोलियां मारकर फरार हो गए। इस फायरिंग के नतीजे में खाकान नामी सेल्समैन मौका पर जा बहक, जबकि उसका साथी इरफान बाजू पर गोली लगने की वजह से शदीद जख्मी हो गया। इस सिलसिले में हमने मौका पर मौजूद लोगों से बात की, आइए आपको दिखाते हैं। दूसरे लड़के ने उसका बाजू पकड़ के पीछे किया, फिर उसने उसको गोली मारी, दोनों को गोली लगी, एक जाके उधर गिरा, एक जिसको जो फोत हो गया उसको इधर लगी वो जगह पे। काकान के वर्सा भी इंसाफ की इल्तजा कर रहे हैं। हमारी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इसको मतलब है जो मुल्जिम है उनको पकड़ा जाए, उनका फिर किरदार तक भेजा जाए। पुलिस का कहना है कि हमने शवाहद इकट्ठे कर लिए हैं और कार्रवाई शुरू कर दिया है, डाकू जल्द अज जल्द पकड़े जाएंगे। कुछ हम टेक्निकली मदद ले रहे हैं तफ्तीश की गैब कुआ से, तो उसकी मदद से इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द इसको ट्रेस आउट कर लेंगे। आपको बताते चलें कि अभी खाकान की सिर्फ 6 माह कबल शादी हुई थी। अब देखना यह है कि क्या वाकई मजलूम वर्सा को इंसाफ मिल पाएगा।